जब हम बात करेंगे स्टोर इमेज के हवाले से तो जो फर्स्ट थिंग हमारे जहन में आएगी वो तमाम एलिमेंट्स की के अंदर तो जो फर्स्ट चीज़ जो होगी दैट विल बी एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोर जितना बेहतर एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोर आप क्रिएट करने में कामयाब होंगे अल्टीमेटली उतना ही ज़्यादा आपका इमेज एज ए रिटेलर बेहतर होगा तो एटमासफियर क्या है एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो कि कस्टमर को मिलती है विजिट रिटेल स्टोर तो अगर उसको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जेटिक फीलिंग आएगी ही विल बी एबल टू स्पेंड मोर इन टू द स्टोर और ये रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि कस्टमर इज हैप्पी इन साइड द स्टोर अल्टीमेटली ही विल बी इनक्रेज टू बाई मोर ही विल स्पेंड मोर इन टू द रिटेल स्टोर और अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली रिटेलर उसका बेनिफिशरी है हमारे पास दो तरह की सिचुएशन हैं अगर तो वो फिज़िकल स्टोर रिटेलर है और अगर तो वो नॉन फिज़िकल स्टोर रिटेलर यानी कि नॉन स्टोर रिटेलर है जिसे हम ऑनलाइन स्टोर कह सकते हैं वेब स्टोर भी कह सकते हैं तो वो तमाम एटमोसफियर जो कि वो तमाम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आप किसी भी स्टोर में जाते हैं और आपको वहाँ मिलते हैं वो सारे एटमोसफियर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एटमोसफियर को बेहतर करते हैं एटमोसफियर को बुरा करते हैं वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारी बातें आपको स्टोर के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं इसी तरीके से अगर हम नॉन स्टोर रिटेलर की बात करें या वेब रिटेलर की बात करें तो फॉर एग्जांपल उसका जो इंटरफेस है आपकी वेबसाइट का जो कस्टमर को नज़र आ रहा है दैट इज एक्चुअली वो फीलिंग दैट इज़ एक्चुअली द फेस ऑफ द रिटेल स्टोर बेशक अगर हम बात हैं कैटलॉग्स की इट इज़ वन ऑफ वन ऑफ थिंग्स फॉर द रिटेल स्टोर अगर हम बात करते हैं वेंडिंग मशीन्स की अगर हम बात करते हैं वेबसाइट्स की ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन स्टोर बेस्ड हैं नॉन स्टोर रिटेलर्स हैं के पैर उदरफ डिफरेंट मॉड्स हैं डिफरेंट टाइप्स हैं तो इसके थ्रू जब आप यू आर गोइंग टू सेल योर एटमोसफेयर शुड बी लाइक दिस कि कस्टमर शुड इंकरेज टू बाई मोर इफ द कस्टमर विल इनक्रेज टू बाई मोर अल्टीमेटली गेट मोर टर्न ओवर एंड ऑफकोर्स मोर कस्टमर लॉयल्टी इसी तरीके से दो की इम्पॉर्टेंट थिंग जो दूसरी आती है दैट इज द विजुअल मर्चेंडाइजिंग जब भी हम एटमोसफेयर की बात करेंगे तो उसमें जो एक और बड़ा की फैक्टर है दैट इज द विजुअल मर्चेंडाइजिंग वो स्टॉक की मर्चेंडाइजिंग विच इज विजिबल टू द कस्टमर सो हाउ अ कस्टमर फील्स वंस ई सीज योर प्रोडक्ट क्या वो प्रोडक्ट आई लेवल के ऊपर है क्या वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के लिए अप्रोचेबल है क्या वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए एक्सेसिबल है क्या सो so वो तमाम चीज़ें जो एक उसको हेल्प कर सकती हैं उसको लुक एंड फील दे सकती हैं उसको टच एंड फील दे सकती हैं वो विजुअल मर्चेंडाइजिंग का पार्ट है तो प्रोएक्टिव इंटीग्रेटेड एंड एटमोसफिरक अप्रोच आपके पास है सो so, ये एक बेसिकली प्रोएक्टिव अप्रोच है अगर आप विजुअल मर्चेंडाइजिंग अच्छी करते हैं एंड इट क्रिएट्स अ बेटर एटमोसफेयर इन द रिटेल स्टोर इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्या है टू क्रिएट अ सर्टन लुक प्रॉपरली डिस्प्लेड प्रोडक्ट्स स्टीमुलेट शॉपिंग बिहेवियर एंड अल्टीमेटली फिजिकल बिहेवियर ऑफ द कस्टमर विल बी टू बाय मोर विल बी इनकरेज्ड विल बी प्रोमोटेड टू बाय मोर तो विर्चुअल मर्चेंडाइजिंग की फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ विच इज ऑफ द गैप स्टोर तो इन द इमेज यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई दैट the products, for example, trousers, uh, for example, the uh, jackets or shirts, are properly displayed, prices are properly displayed, how it will look like, it it is also displayed so the customer should know that uh, how it will look like once he will wear it, and then you will have the stocks available for the customer to buy it. So visual merchandising is one of the key uh, thing which actually impacts the customer to buy more which actually impacts customer to at least buy from your retail store rather than only seeing the store and then leaving the store so the target of every retailer is to improve overall the atmosphere and ultimately also the visual merchandising the more you will focus on visual merchandising the more you will be able to have better results in terms of sales and revenue